हेलो एंड वेलकम टू मनी नाइन झटपट। मैं हूं मीनू शर्मा और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी बात है जो LIC छिपा रही है। तो चलिए बताते हैं आपको पूरा माजरा। केंद्र सरकार ने LIC से कहा है कि वो सितंबर से मार्च की अवधि के लिए अपनी एम्बेडेड वैल्यू का खुलासा करे। इसके उलट देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC की प्लानिंग अपनी पिछली एम्बेडेड वैल्यू जारी करने के एक साल बाद इसे जारी करने की थी। कंपनी ने अपनी पिछली एम्बेडेड वैल्यू 5.39 लाख करोड़ रुपए बताई थी। अब केंद्र सरकार ने कंपनी को इसे अभी जारी करने को कह दिया है। अभी तक LIC के मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्टिंग एक्चुअरी को अभी तक अपनी एम्बेडेड वैल्यू यानी EV तय करने के लिए काम पर नहीं लगाया था। कंपनी को आशंका थी कि मार्च 2022 तक की अवधि के लिए उसकी EV कम हो सकती है। ऐसा LIC के मार्क टू मार्केट गेन्स में 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की गिरावट के अंदाजे की वजह से था। आगे बढ़ने से पहले जरा एम्बेडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के परफॉर्मेंस को समझने के लिए एम्बेडेड वैल्यू का अहम पैरामीटर माना जाता है। इसमें कंपनी की एडजस्टमेंट नेटवर्थ और भविष्य की अनुमानित प्रॉफिट को जोड़ा जाता है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार के LIC को अपनी एम्बेडेड वैल्यू का खुलासा करने का निर्देश देने से इसके स्टॉक होल्डर्स के मन में कंपनी को लेकर भरोसा मजबूत होगा। इसी महीने की शुरुआत में LIC का IPO आया और लोगों के बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने के बावजूद इसके शेयरों की लिस्टिंग हल्की रही। अभी भी कंपनी के शेयर अपनी इश्यू प्राइस से नीचे चल रहे हैं। खबरों के मुताबिक LIC सोच रही थी कि वह एम्बेडेड वैल्यू को छोड़कर अपने सभी ब्यौरे एनुअल रिपोर्ट में देगी। आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनियां अपनी एम्बेडेड वैल्यू को हर 6 माह में जारी करती हैं। इसके अलावा कंपनियां अपने न्यू बिजनेस की वैल्यू को एक साल में एक बार बताती हैं। पहले LIC की योजना मार्च 2022 तक के लिए अपने न्यू बिजनेस की वैल्यू यानी VNB का डेटा जारी करने की नहीं थी, लेकिन कमजोर लिस्टिंग के बाद LIC ने अपने रिपोर्टिंग एक्चुअरी मिलेमैन एडवाइजर्स को मार्च 2022 तक की एम्बेडेड वैल्यू निकालने के लिए कहा है। पहली बार LIC ने अपनी एम्बेडेड वैल्यू को अपने ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP में दिखाया था। मार्च 2021 में कंपनी ने ये वैल्यू 95,605 करोड़ रुपए बताई थी, लेकिन सितंबर 2021 में ये बढ़कर 5.39 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। ऐसा कंपनी के पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग फंड को अलग अलग करने के चलते हुआ। मैक्वायरी रिसर्च ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि LIC की एम्बेडेड वैल्यू में करीब 70% हिस्सेदारी इसके इक्विटी मार्केट टू मार्केट गेन्स की है। इसके चलते EV ज्यादा उतार चढ़ाव की जद में आ जाती है। ऐसा बाजार में आने वाली तेजी और गिरावट के चलते होता है। रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने के चलते बाजार 7-8% नीचे आ चुका है और यही चीज LIC की एम्बेडेड वैल्यू में दिखाई दे सकती है। LIC के DRHP में दर्ज जानकारी के मुताबिक शेयरों की कीमतों में 10% की गिरावट से LIC की EV 7% नीचे आ सकती है। यही चीज LIC को डरा रही थी। बाजार में दूसरी लिस्टेड बीमा कंपनियों में SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है। इन कंपनियों की वैल्यूएशन एम्बेडेड वैल्यू की 3 से 4 गुना है। अब चूंकि सरकार ने LIC पर EV जारी करने के लिए कह दिया है, तो ऐसे में LIC को ये आंकड़ा साझा करना ही पड़ेगा। अब भले ही ये वैल्यू कम हो, लेकिन कम से कम शेयर धारकों के सामने तस्वीर तो जरूर साफ होगी।